हेलो एवरीवन, दिस इज गोइंग टू बी अबाउट जेई मेन 2019। सो अभी जेई मेन का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, पहली बार इस तरह का टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, एंड यू नो जेई फॉर्मेट में। एंड काफ़ी सारे टेस्ट हो चुके हैं, अ फ्यू टेस्ट अभी कंडक्टेड। एंड सो बेसिकली कुल मिला के मैंने ये वीडियो थोड़ी सी लेट बनाई है, बाकी सब वीडियोज ने वीडियो डाल दी है इस तरह की, बट मैंने वीडियो थोड़ी लेट बनाई ताकि उन लोगों के एग्जाम ओवर हो जाए एंड सब लोग अच्छे से मिल बांट के पूरा एनालिसिस करके फिर ये वीडियो देखें कि यार ऐसा है। तो यार मैं बिना किसी डिले के ये वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगा, बट उससे पहले बता दो कि ये जो भी वीडियो का कंटेंट है, अगर आपको वीडियो देखना नहीं अच्छा लगता है तो आप रीड कर सकते हो। मेरा एक नया स्टार्टअप है, ठीक है, अकेडमी बूस्ट, वहाँ पे लोगों को मेंटरशिप मिलती है डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड। अभी वहाँ पे एग्जाम रिलेटेड मेंटरशिप मिल रही है, थोड़े दिन बाद वहाँ पे और भी तरह की मेंटरशिप मिलेगी, बट अभी के लिए अगर आप जेई के लिए प्रिपेरेशन कर रहे हो या किसी भी एग्जाम के लिए या मेंटरशिप देना चाहते हो, देन प्लीज गो ऑन दैट साइट, वहाँ पे आप साइन अप कर सकते हो, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स वहाँ आते हैं, दूसरे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, सो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। सो अगर किसी को वो सब देखना है और वीडियो नहीं पसंद है, देन जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, वहाँ पे academyboost.com का एक लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। एंड प्लीज साइन अप। सो नाउ कमिंग टू दिस वीडियो, सो जे मेन हो गया है, मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, काफ़ी ऑनलाइन मैंने वीडियोज या यू नो साइट्स पे आर्टिकल्स देखे हैं और कट ऑफ वगैरह का एनालिसिस किया। तो पहली बात ऐसा पता चल रहा है कि मैथ्स का पेपर थोड़ा टफ था, फिजिक्स का पेपर थोड़ा इजी या मॉडरेट था, केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी इजी था, ठीक है। और हर बार यही होता है, मैथ्स का पेपर थोड़ा टफ रहता है, फिजिक्स का मॉडरेट, केमिस्ट्री का इजी, ठीक है। और कट ऑफ की जहाँ तक बात करें तो हर साल डिक्रीजिंग ट्रेंड रहता है, पिछले 4 साल से कट ऑफ डिक्रीज होता जा रहा है। मेरे टाइम में 81 कट ऑफ था, और कम हो गया है, ठीक है। सो पॉइंट इज कि इस बार कट ऑफ मुझे लगता है डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, ट्रेंड भी चल रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, सो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई होगी पेपर में। सो मुझे लगता है इस बार कट ऑफ 70-80 रहना चाहिए, जैसा कई लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अभी मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है 100+ चला जाए, डिपेंड करता है बहुत चीज़ों पर, मैंने पेपर ट्राई नहीं किया, बट मुझे लगता है कि अगर आपके 70 के आसपास आ रहे हैं, 70-80 आ रहे हैं या 80+ आ रहे हैं, देन यू शुड कंसीडर योरसेल्फ सेफ, और एडवांस के लिए आप क्वालिफाई शायद कर लो, ठीक है। तो यार इसके बेस पर मैं बता देता हूँ कि कैसे तैयारी करनी है बोर्ड्स की, जेई मेन 2 की, जेई एडवांस की और बाकी सारे एग्जाम्स की भी। आपको अगर ये जानना है देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टू द एंड, क्योंकि काफ़ी सारी मैं बातें बताऊंगा जो आप सारे लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, सारे लोगों के लिए, सारी कैटेगरीज के लोगों के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, मे बी 100 लो स्कोर आया है, 120 स्कोर आया है, इस तरह का, मतलब जिनका अच्छा पेपर नहीं हुआ है, स्कोर कम आ रहा है और लग रहा है कि यार इस बेस पर मैं कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अब इन लोगों के लिए मैं बात करता हूँ कि यार पहली बात, तुम्हें खुश नसीब अपने को मानना चाहिए कि तुम्हें एक और चांस मिलने वाला है, ठोकर पहले ही लग गई है, सो यू कैन नॉट इम्प्रूव, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि यार अपना मोटिवेशन वापस लाओ, मोटिवेशन वीडियोस देखो, मैंने खुद ने बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस बनाए, संदीप माहेश्वरी की वीडियोस आती हैं और भी बहुत सारे अच्छे लोग आते हैं जो मोटिवेशन देते हैं, अच्छा उनकी वीडियोस देखो यार, और थोड़ा मोटिवेट होने की कोशिश करो सबसे पहला। दूसरी बात, ये चीज़ रियलाइज करो कि यार तुम्हारे मार्क्स कम केवल 2 रीजन की वजह से आए होंगे, पहला यह तुम्हारा पेपर बिगड़ गया, दूसरा तुमने तैयारी अच्छी नहीं की 2 साल, ठीक है, तैयारी नहीं की तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। अपने आप को झूठ बोलने से या अपने पेरेंट्स के सामने कुछ और बोल देने से कि ये हो गया वो हो गया, उससे कुछ नहीं होता है, अपने आप से बात करो, ठीक है, अपने आप से पूछो कि यार मेरे मार्क्स कम क्यों हैं, क्योंकि जब बाकी लोग पढ़ रहे थे मैं एक्सेलरेट काम कर रहा था, काम कर रही थी, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, गलती करना इज नेवर अ मिस्टेक, ठीक है, गलती करना एक अच्छी बात मानता हूँ, बट गलती से अगर आप सीख नहीं रहे हो ना तो वो बहुत बुरी बात है, ठीक है। आपको एक अपनी मिस्टेक से इम्प्रूवमेंट लेना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक्स करना इज ह्यूमन बट नॉट लर्निंग फ्रॉम देम इज नॉट, ठीक है। सो आपने एक मिस्टेक की है, 2 साल आप अच्छे से पढ़े नहीं, तो उसके लिए आप क्या करो यार कि अब अपने आप को पूरा अपने आप से प्रॉमिस करो कि अगर 3 मंथ बचे हैं उनमें मैं अपना पूरा जान लगा दूंगा, पूरा जान लगा दूंगी और अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक है, और पूरा अपना मेहनत या जो भी डेडिकेशन उसके साथ, ठीक है। दूसरा रीजन जो है कि अगर तुम्हारी एग्जाम बिगड़ गया है, ठीक है, उस केस में क्या है यार कि उस केस में वो चीज़ होती है, नॉर्मल है, उसके लिए क्या करो, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन पे वर्क करो, ठीक है। उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में जेई प्रिपरेशन की मेरी पूरी प्लेलिस्ट चलती है, वहाँ पे आप देख सकते हो। सो उसका बेसिक फंडा केवल यही रहता है कि आप क्या करो कि टेस्ट बहुत सारे करते जाओ और अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करो कि क्या क्या गलत मैं कर रहा हूँ टेस्ट में, और उन पर वर्क करो, ठीक है, ये उसका समरी है, बट वीडियो पूरी देख लो तो अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, तो क्या करो, पहले तो मेरे पास 3 मंथ से ऑलमोस्ट जेई मेन 2 में और एडवांस में तो 4-5 महीने है, ठीक है। तो जेई मेन 2 की बात करते हैं, जेई मेन 2 में तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी खोलो, ठीक है, और उसको पढ़ना चालू करो डे 1 से,
पहले देखो कि जो तुम्हें एटॉमिक्स बिल्कुल नहीं आते उनकी एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद जो आते हैं उनकी पढ़ लो। इससे तुम्हारे दो तीन फायदे होंगे। पहली बात यह कि जेई मेन टू की तैयारी होगी, दूसरी बात तुम्हारे सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ताकि तुम बाद में जेई एडवांस के लिए पढ़ सकते हो, और तीसरी बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, बहुत लोग बोर्ड्स पर इग्नोर करते हैं, मैं बता रहा हूँ कि बोर्ड के परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोग आपको बोलते हैं कि बोर्ड के परसेंटेज से कुछ होता नहीं है, बट बाद में बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपके 90% से कम होते हैं तो कुछ अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आगे चली जाएंगी। ठीक है, सो बोर्ड्स के लिए तैयारी करना इज इम्पॉर्टेंट, उसको मिस आउट मत करना प्लीज। ठीक है, सो बात करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लिया आपने पहले महीने, दूसरे दो महीने उनमें आपको अप्लाई करना है कि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट अच्छा करना है, यू हैव टू मेक योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर जेईई मेन। ठीक है, आपने पहले एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लिया, थोड़े बहुत क्वेश्चन वगैरह भी कर सकते हो, शीट वीट या जो भी है। ठीक है, तो उससे क्या है कि सारे बेसिक्स क्लियर हो गए, आपको सारे फॉर्मूले याद हो गए। ठीक है, ये हो गया, अब आपको इम्प्लीमेंट करने होंगे, आपको ये देखना है कि मैं उससे मेंस में मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करूँ। ठीक है, उसके लिए जो नेक्स्ट दो मंथ्स है वो आपको उसमें लगाने हैं कि यार अपना पेपर अच्छा कैसे करना है उस पर ध्यान दो। ठीक है, उसके लिए आपका यही रहेगा कि यू हैव टू सॉल्व लॉट्स ऑफ पेपर्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं बुक्स के, जहाँ पर आपको पेपर्स मिल जाएंगे चैप्टर वाइज या नॉन चैप्टर वाइज भी। हर हफ्ते में एटलीस्ट एक या दो पेपर लगाने की कोशिश करो पूरे फुल लेंथ के। ठीक है, 3 घंटे के, और देखो कि यार क्या क्या मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ, कैसे मैं उनको इम्प्रूव कर सकता हूँ, और लिखते जाओ डायरी में कि ये इम्प्रूवमेंट आज जो है ये करना बचा है। ठीक है, अब तक तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है, तुम पेपर पे वर्क कर रहे हो, टेक्स्ट मैनेजमेंट भी इम्प्रूव हो रहे हैं। ठीक है, नए नए क्वेश्चन लगाते जाओ, कोचिंग शीट की एक्सरसाइज वन करो, जो बेसिक बुक्स आती हैं। ठीक है, जैसे 40 डेज में जेईई मेन वाली बुक आती है या प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, उनके क्वेश्चन करते जाओ, देखते जाओ कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट है। ज्यादा क्वेश्चन लगाने से फायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि एक तो स्पीड बढ़ती है, दूसरी बात थिंकिंग पावर इंप्रूव होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल प्रीवियस क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये करना है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये करना है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं। सो आप लोगों के लिए वर्क यही है कि एनसीईआरटी पहले महीने लगाओ, बाकी जो 2 महीने उनमें पेपर लगाते जाओ, शीट लगाते जाओ, और फुल लेंथ पेपर भी लगाओ, चैप्टर वाइज पेपर्स भी लगाओ, और देखते जो है कि कहाँ कहाँ पे वर्क है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करो। पहले बेसिस सारे क्लियर कर लिए एक बार 1 महीने में, उसके बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर ली कि यार ये क्वेश्चन कैसे होते, इतना कर लोगे ना 3 महीने ऑनेस्ट प्रिपरेशन करोगे ना, मैं पूरा विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि 150, 180, 200 तक पहुंच सकते हैं किसी भी बच्चे को, कोई 0 भी लाया वो भी पहुंच सकता है। ठीक है, बस ऑनेस्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो जो लोग प्रिपरेशन जिनका अच्छा नहीं रहा, 100 बिलो स्कोर है या उतना स्कोर है 100 आसपास, पहले एनसीईआरटी क्लियर करो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, सिंपल लेवल, ठीक है, एडवांस के क्वेश्चन नहीं करने, जे एडवांस के लिए मत करो ज्यादा। ठीक है, वो अपन बाद में देख सकते हैं जे मेन टू के बाद, अभी आपका ये मोटिव है बोर्ड में अच्छा करना, जे मेन टू अच्छा करके एक अच्छे कॉलेज से सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा काम है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका प्रिपेरेशन ऐसा था कि यार 150, 200 आसपास स्कोर आ गया बट इतना मजा नहीं आया। ठीक है, अब तुम लोगों का भी हो सकता है पेपर बिगड़ गया, तो उसके लिए वही फॉर्मूला है जो उनको बताया, पेपर प्रैक्टिस वगैरह करो और वीडियो देख लो वो वाली जिसमें मैंने टेम्परामेंट बताया। ठीक है, अब बात करते हैं कि तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो तुम्हारे साथ क्या हुआ है कि तुम्हारे ऑलमोस्ट वन डे बेसिक क्लियर है, तुमने कुछ टॉपिक्स थे जो छोड़ दिए थे, कुछ टॉपिक्स थे जो तुम्हें अच्छे से नहीं आते थे, इसलिए तुम क्वेश्चन लगा नहीं पाए। तो पहले उन टॉपिक्स को लिस्ट करो कि कौन कौन से चैप्टर थे जिनके क्वेश्चन में कर नहीं पाया, उनके बेसिक फंडे क्लियर करो अपनी कोचिंग की शीट करके, एनसीईआरटी करके, जो भी तुम्हें करना है। ठीक है, पहला 1 महीने इस पे मोटिवेट इसको लगा दो कि तुम एग्जामिनेशन टेम्परामेंट अच्छा करो, मतलब बहुत सारे मेंस के पेपर लगाओ, क्योंकि प्रिपरेशन तो अच्छी है, 150 तुम 200 लेके आए हो तो मेंस के पेपर वापस आने में भी जोर नहीं आएगा, राइट। एंड अपने बेसिक सारे क्लियर कर लो, जो टॉपिक्स नहीं आते हैं जिनमें तुम नहीं स्कोर कर पाए उनके बेसिक्स क्लियर कर लो। ठीक है, कोचिंग की शीट पढ़ के या फॉर्म क्वेश्चन लगा के एक्सरसाइज बनके। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि 2 महीने बचे ना उसमें अपने को एडवांस के लिए तैयार करना है। ठीक है, पहले 1 महीने में तुमने इतना इंश्योर कर लिया है बेसिक्स और रिविजन करके कि तुम जेईई मेन 2 में 250 प्लस लिया होगे। ठीक है, ये तुम्हें पहले 1 महीने में इंश्योर करना है। ठीक है, जो बाकी 2 महीने उसमें आपको ये देखना है कि एडवांस के लिए कैसे तैयारी करनी है। एडवांस की तैयारी करने का यही तरीका है यार कि बार बार नए नए क्वेश्चन करते जाओ, टफ क्वेश्चन लगाओ, जेईई एडवांस के क्वेश्चन लगाओ और प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन लगाओ, जेईई एडवांस के कोचिंग शीट के एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन लगाओ। इरोडो में से ज्यादा हो जाएगा अभी के लिए, बट अगर हो सके इरोडो के क्वेश्चन कर सकते हो, वेदास गुप्ता के क्वेश्चन कर सकते हो, अरिहंत के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, कुल मिला के ये करना है, पहले 1 महीने में अपनी जेईई मेन की तैयारी बहुत अच्छी कर देनी है ताकि मेंस तो तुम फाड़ के आओ, और हर हफ्ते में एटलीस्ट 1 जेईई का पेपर लगाते जाना। ठीक है, जब तक पेपर नहीं आ जाता है। ठीक है, और बाकी टाइम जो 2 महीने बचते हैं उसमें अपनी एडवांस तैयारी बहुत अच्छी करते जाओ। ठीक है, एकदम एडवांस लेवल पर उनको तैयार कर दो कि यार टफ क्वेश्चन लगाए, इससे क्या तुम आईआईटी में हो सकता है पहुंच जाओ और एटलीस्ट इतना तो कर ही दे रहे कि जेईई मेन 2 फाड़ देना है। ठीक है, कुल मिला के तुम्हारे लिए ये फंडा है कि पहले 1 महीने में अपनी शॉर्टकमिंग्स पता करो कि यार कहाँ कहाँ पे मैं जेईई मेन अच्छे से नहीं किया है। ठीक है, उसके ऊपर वर्क करो, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट अच्छा कर लो, बेसिक सारे चैप्टर से क्लियर कर लो, आफ्टर दैट यू कैन डू ऑल दिस कि मतलब टफ क्वेश्चन लगाने हैं एडवांस लेवल के जो भी है वो उसके बाद देखो। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके 250 प्लस या 300 प्लस आ रहे हैं, तुम लोगों को ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि कैसे क्या करना है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ।
पेपर जेईई मेन का देखो, देखो कहाँ कहाँ पे यू डिडंट डू वेल। वैसे पेपर का ऑनलाइन होता है, क्या ही देखोगे, बट ठीक है देख सकते हो। तो ये देखो कि यार कहाँ कहाँ पे हम अच्छा कर सकते थे, ठीक है। तो अब वो सब देखो, और तुम्हारे टाइम तुम्हारे देखो जेईई मेन का फंडा क्लियर है, तो तुम जेईई मेन टू भी अच्छा करोगे, इससे बेटर करोगे, ठीक है। बट तुम्हारे लिए वैसे एनसीईआरटी मत छोड़ना, ठीक है, उससे बोर्ड्स अच्छा होता है, और जेईई मेन टू में डेफिनेटली इसको इंक्रीज होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो जेईई एडवांस में भी। सेकेंड थिंग जो मैं बोलूंगा वो ये कि आप एडवांस की तैयारी एकदम पूरा जीरो से तैयारी कर लो, ठीक है। क्योंकि अब अगर अभी तुमने ओवर कॉन्फिडेंस ला के अगर सोच ले रहे हैं मैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, देन यू वॉन्ट टू वेल फाइनली, ठीक है। ये चीज़ रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू स्टिल हैव टू स्टडी अराउंड। टफ क्वेश्चन लगाओ, इवोडो लगाओ, पेपर्स एडवांस के लगाओ, टीचर से टफ क्वेश्चन मांगो, कोचिंग में सबसे टफ वाले से लगाओ, और अरियन ये रात होते काफ़ी टफ बुक्स है, ठीक है, ये सब करने की कोशिश करो। तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, तुम्हारा बस ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, एंड बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ओलंपियाड की कोशिश करो, जो भी ये कर लो, ठीक है। और एक बार मुझे कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि उनकी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है, 40-50 नंबर आ रहे हैं, एंड इवन मुझे एक बंदे ने ऐसा मैसेज किया कि ही वॉन्ट्स टू कमिट सुसाइड बिकॉज ही इज नॉट डूइंग वेल। तो यार पहली बात एक बात बता देता हूँ कि मार्क्स रखना ऐसे कुछ होता नहीं है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोगों को देखो, कोई मार्क्स रखा कि नहीं सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है, बहुत चीज़ें लाइफ में मैटर करती हैं, दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट, राइट। ये बस हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट है, ये एजुकेशन का एक पार्ट है, जे एग्जाम बी ए ग्रोथ आई टी में पहुंच जाओगे वो, ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक डिटरमाइन करते हैं आप कितना आगे करोगे, बट इतना फर्क नहीं पड़ता उससे रियली, योर लाइफ इज मच मोर वर्थ देन एन एग्जाम, उसके लिए ऐसी चीज़ें मत करो, ठीक है। तो लोगों क्या करना चाहिए, थोड़ी मोटिवेशन लो, मोटिवेशनल वीडियोज देखो एक दिन दो दिन बैठ के, एंड उसके बाद जो मैंने तुम्हें फर्स्ट कैटेगरी लोगों को जो बताया था ना कि जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है 100 प्लस स्कोर आ रहा है, ट्राई टू फॉलो दैट स्ट्रेटेजी, ठीक है, काफ़ी इंप्रूवमेंट कर सकते हो, बहुत टाइम बचा है, और मुझे कंप्लीट फेथ है कि कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जो भी 10-20 नंबर है और फाइनली बहुत मजा के बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएगा, राइट। और नहीं भी अगर होना देन स्टिल देयर इज नो रीजन टू फील सैड, ओके, ये सब एक जस्ट पार्ट है, एंड नो वे इट डिटरमाइंस योर सक्सेस, ठीक है। सो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट बता रहा हूँ कि अगर अच्छा स्कोर नहीं आया तो उससे अपने आपको कमजोर मत समझ लो, ठीक है। सो मैं वीडियो समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग, जिन लोगों का प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, या 100 लो है, पहले एक महीने में अपने बेसिक सारे क्लियर कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, बाकी दोनों महीने जेईई मेन की तैयारी वापस से लगाओ कि जेईई मेन के क्वेश्चन निकाल के जेईई मेन टू में अच्छा करके आए, 150-200 तक पहुंचे, ठीक है। दूसरा, जो लोग हैं जिनकी मिडिल क्लास तैयारी है, पहला एक महीना डिवोट करो कि जेईई मेन टू बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है, उसके लिए एनसीईआरटी वगैरह या जो भी वीक टॉपिक्स है आप प्रैक्टिस वगैरह कर लो, बाकी दो महीने जेईई एडवांस में लगाओ कि जेईई एडवांस में बहुत अच्छा करके आए। तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं जिनका 250 प्लस 300 प्लस है, तुम्हारा मोटिव ये होना चाहिए कि यू शुड एम नाउ रियली वेल, रियली बिग, एंड बहुत सारे टफ क्वेश्चन लगाते जाओ। जिनका बिल्कुल कट ऑफ क्लियर नहीं होने वाला है, डिप्रेस मत हो, जेईई मेन टू आएगा, उसमें अच्छा करना, ठीक है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो, और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि यार बोर्ड्स को नेग्लेक्ट मत करना, बोर्ड्स आगे काफी काम आते हैं, ठीक है, पहले चलाते जाओ एनसीईआरटी, ठीक है, जब बोर्ड का टाइम है तो इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन या जो भी फिफ्थ सब्जेक्ट है उसके लिए भी पढ़ लेना, ठीक है, इफ यू इग्नोर दैट देन आगे प्रॉब्लम्स आती है। पहला ये होना चाहिए कि बोर्ड में अच्छा करो, उसके बाद जेईई में अच्छा करो, उसके बाद जेईई सोचो, राइट। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप कि सबकी हेल्प होगी, काफी मोटिवेशन मिला होगा सबको। तो ये मेरा एनालिसिस था और आगे एडवाइस था कि आगे कैसे अप्रोच करना एग्जाम को। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी बुक्स वगैरह हैं, बहुत सारे लिंक्स दिए हैं, कैट बुक्स का लिंक दिया है, वो आप देख सकते हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।